सिवनी में मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने वंशीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर पंडित शास्त्री जी द्वारा सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना कराकर वेद मंत्रों के साथ कर्मचारियों को यज्ञ में आहुतियां डलवाई। विदित हो कि विगत 9 दिन से प्रदेश के 55,000 सहकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। आज विगत 9 दिन से हड़ताल चल रही है और आज जिला संघ के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें शासन प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों और नेतागणों से हमने अपील की है और भगवान से प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। 17 तारीख तक की हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 18 तारीख को पूरे 52 जिले भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और 18 तारीख को और 19 तारीख को आत्मदाह और चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा।